जब जब कराची हारेगा मैं कराची की लूंगा, ऐसी लूंगा के छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ लाहौरी। बात कर लेते हैं थोड़ी पीएसएल की। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल लाहौर वर्सेस पिशावर का मैच हुआ, कराची वर्सेस मुल्तान का मैच हुआ। लाहौर शेरों की तरह जीता और कराची कुत्तों की तरह हारा। मतलब कि क्या कहने। बात कर लेते हैं कि हुआ क्या ऐसा जो कराची कल मैच हार गया। आप सारे के सारे मेरी बात से एग्री करोगे। आप खुद बताएं, एक बंदा नेशनल टीम से ओपनिंग कर रहा हो, उसके अलावा दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी माना जाए वो T20 का, वो बंदा आए एज अ ओपनर बैटिंग करने आए, पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक वो बंदा खेले, 170 स्कोर का टारगेट हो और कराची मैच हार जाए। मतलब कि ओपनर नोट आउट जा रहा है 85 रन करके, फिर भी कराची मैच हार जाए, तो ये तो भाई ऐसी इनिंग्स पे तो लानत होती है, साफ सी बात है। मैंने बाबर आजम को बहुत सपोर्ट किया अपनी हर वीडियो में, लेकिन जब बाबर आजम ऐसी गंदी इनिंग्स खेलते हैं तो मुझे गुस्सा चढ़ता है और फिर मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। करना भी बनता है, क्योंकि मुझे टेंशन है आगे वर्ल्ड कप की। अगर बाबर आजम ऐसी ही परफॉर्मेंस देखता रहा तो वर्ल्ड कप का एक मैच भी अगर हम इस वजह से हार गए तो मतलब कि हम पे तो वैसे ही क्यामत आ जानी है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वर्ल्ड कप है इस वक्त। तो बात कर लेते हैं ज़रा बाबर आजम की, हुआ क्या ऐसा। 19वें ओवर तक सिर्फ तीन आउट थे। 19वें ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर बाबर आजम ने वाल्टन को रन आउट करवाया और आखिरी ओवर में 24 रन करने थे, जिसमें बाबर आजम की बारी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आखिरी ओवर में 6 बॉलें थी और पीछे 8 बंदे से बेचारे हिट करने आ रहे हैं और आउट होते जा रहे थे। हुआ क्योंकि 24 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर 10 एक्स्ट्रा डॉट बॉल खेली, 20 बॉलों पे 10 स्कोर था बाबर आजम का। मतलब अगर वो 20 पे 20 भी स्कोर कर देता ना तो वो 24 जो फाइनल ओवर में था ना वो 14 रह जाता। मतलब कि उसने इतना स्लो बाबर आजम ने खेला है पहले 10 ओवर में। एंड में मैं मानता हूँ उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग खेली, टीम को वापस स्टैंड दिया, लेकिन फ़ायदा क्या? आपके नीचे थिसारा परेरा पड़ा था, इतना हिटर ज़बरदस्त इमाद वसीम था, आप खुल के खेलो शुरू से, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है आपकी, फिर भी आप इतना स्लो खेल रहे हो। वाल्टन ने आके थोड़ा मैच में जान डाली, उसके अलावा फिर बाबर आजम ने थोड़ा स्कोर किया, लेकिन यार बाबर आजम आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हो यार, आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती। काइंडली इसका रिक्वेस्ट आपसे, जैसे ना आपने फीका के अंदर 122 रन की इनिंग्स खेली थी, उस तरह की जानदार इनिंग्स खेलो यार, अपनी टीम को जितवाओ। कराची डिपेंड ही आपके ऊपर करती है पूरी, और आप अगर ऐसे करोगे तो फिर तो कराची वाले तो वैसे ही पहले ही डूबे हुए हैं पानी के अंदर, वो वैसे ही डूब जाएंगे। रही बात लाहौर की, तो मतलब कि लाहौर ने तो अन्नी पा दी थी। मतलब लाहौर की जितनी तारीफें की जाए कम है। ये टीम वो थी जो चार साल पहले पीएसएल के लीड कर रही थी नीचे से, और अब ये छोड़ती नहीं टॉप की पोजीशन। मतलब कि हुआ क्या ऐसा, कौन सी ऐसी मनूसर चीज़ जो इस टीम को पड़ी हुई थी, वो एक ही बंदा हुआ राणा फवाद साहब, इनके ओनर। पिछले पहले 4 सीजन उन्होंने रच के सपोर्ट किया, हर मैच देखने आते थे, और जब से वो नहीं आ रहे, जब आते थे तो टीम हर मैच जीता हुआ हारती थी, और जब नहीं आ रहे तो हर मैच टीम जीत रही है। लेकिन जो भी हो, एक बात की जाए प्रोफेशनलिज्म की, तो इनको एक ऐसा प्लेयर मिल गया बेन डंक, जो इस टीम को, जिसको कहते हैं ना जान डाल दी। मोहम्मद हफीज़ भी आ चुके हुए हैं, जिसने और मजबूत इस टीम को कर दिया। उसके अलावा पहले थोड़ी वीक थी लेकिन अब बहुत ख़तरनाक हो गई। क्योंकि जो ये अबू धाबी में सेकंड हाफ शुरू हुआ, इसके अंदर जो इनके पास प्लेयर्स आए हैं, जेम्स फॉकनर, टिम डेविड, सबसे ख़तरनाक पावर हिटर है, मैंने ऐसी हिटिंग नहीं देखी। रसल के बाद जो मुझे हिटिंग में अच्छा लगा है बंदा, वो है टिम डेविड। इसके बाद बात कर लीजिए राशिद खान की, भाई की तो लॉटरी लगी हुई है, 2 दिन के अंदर 14 लाख रुपया कमा लिया, 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच बन गया, भाई की तो किस्मत खुल गई है, छोड़ेगा नहीं ये। उसके चेहरे की हंसी बताती है कि आज उसने मैन ऑफ द मैच बनना ही बनना है, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो पीएसएल के मैचेस की बात की, बहुत धमाकेदार मैचेस हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सिर्फ एक ही हुई जिसको कहते हैं ना 2 नंबरी जलालत, वो की है बाबर आजम ने कल, जो इतनी गंदी इनिंग्स खेली है, 63 पे 85 रन। फ़ायदा क्या भाई, जब तेरी टीम ही मैच हार गई, काइंडली थोड़ा इंप्रूव करो ताकि आपकी टीम जीते। अभी आप हमारे मुखालिफ हो कराची की टीम में, अगर आप पाकिस्तान की टीम में होते फिर भी मैं इसको निगलेक्ट कर देता, लेकिन मैं तो लाहौरी हूँ, मैं तो जब जब कराची हारेगा तब तब लिए लाहौरी खुश होगा, मैं तो नहीं छोड़ने वाला।